तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों डीटीएच का अड्डा। दोस्तों चैनल पर जब पहली बार आया तो जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको नीचे की साइड दिख रहा हो उसके दबाने के बाद बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर करें जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फिर से वही रहने वाला है कि एनटीओ 2.0 के बारे में। दोस्तों आज हमें एक ऐसी अपडेट मिली है जो कि दोस्तों सोचा कि आपको बता दें और उससे आपको हो सकता है कि थोड़ा सा और साहस मिले और डीडी फ्रीडिश पे आपका और भी प्यार बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपको वीडियो को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि दोस्तों टाटा स्काय ने जो केस फाइल किया था उसके बाद से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी डीडी फ्रीडिश में। एक दो तीन चैनल तो दोस्तों रिमूव भी किए गए थे जो कि यार टॉप लेवल के ई ऑक्शन में जीत के आए थे। तो फ्रेंड्स अब दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये अप्रैल और मई के महीने में दोस्तों टाटा स्काई पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो पेड जो ऑडियंस थी वो पहुँच गई थी। मतलब कि दोस्तों लगभग माना जाए तो बहुत ही बड़ी संख्या में दोस्तों डीडी फ्रीडिश के ग्राहक टाटा स्काई की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि दोस्तों उनको चैनल वहाँ पर भी सस्ते में मिल रहे थे। बट दोस्तों जो न्यू टैरिफ ऑर्डर है जो कि 2.0 का ट्राई का नया ऑर्डर आया दोस्तों उसके हिसाब से जो देखा जाए तो जो भी चैनल से दोस्तों उनको मतलब कि उसी के हिसाब से जो ट्राई ने जो नए नियम लागू किए उसके हिसाब से अपने चैनल को पेड डी टी वी की कैटेगरी में रखना है तो उसके हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी वजह से कई सारे बदलाव भी किए गए थे। बट दोस्तों इन ब्रॉडकास्टर्स ने किया क्या कि अपने चैनल्स को कम कर दिया और दोस्तों जो बचे हुए चैनल्स थे उनके प्राइस इंक्रीज़ कर दिए। मतलब कि दोस्तों वहाँ से उन चैनल्स को घटा दिया तो उसकी जो इनकम थी वो यहाँ से लेना चाहिए थी दोस्तों। और जो पेड डी टी एच के जो मतलब कि हेड होते हैं कई सारे ऐसे मतलब इंटरव्यूज़ में देखा गया सुना गया बीते कुछ दिनों में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं ब्रॉडकास्टर के हेड से उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा इसलिए क्यों कहा गया है क्योंकि एक आदमी से मतलब कि एवरेज 100 रुपीज़ ज़्यादा लेने की इस बार डिमांड की गई है जिससे कि उनकी भी जो थोड़ी सी अवस्था है मतलब कि उनकी जो थोड़ी सी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। बट दोस्तों ये बात अच्छी नहीं है कि पब्लिक से पैसे लेकर अपनी कंपनी को और अच्छे जगह पर ले जाना। तो दोस्तों इसी वजह से दोस्तों अब क्या हो रहा है कि जो हमारे कस्टमर्स थे वो डीडी फ्रीडिश छोड़ के गए थे पेड डी टी एच पे वही दोस्तों अब से डीडी फ्रीडिश पे आने की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात होगी कि जो कस्टमर्स है वो डीडी फ्रीडिश की ओर बढ़ेंगे। बट दोस्तों ऐसा भी होगा क्या कि जो पेड ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके पास से कस्टमर्स कम हो जाएंगे और दोस्तों सिंपली डीडी फ्रीडिश में ग्रो करने लग जाएंगे। और दोस्तों ऐसे में होगा क्या कि जो पेड ब्रॉडकास्टर्स हैं वो दोस्तों कस्टमर्स को अपने पास लाने के लिए चैनल्स को कम दाम में कर देंगे। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एनटीओ 2.0 के तहत लगभग जितने भी चैनल्स हैं जो कि कन्फर्म 100% डीडी डिस्क पे ही रहने के लिए लॉन्च किए गए थे उनके रेट को 0.50 पैसे कर दी गई है। और दोस्तों जो चैनल से कि ई ऑक्शन में कुछ ही सालों के लिए आते हैं तो दोस्तों उनकी रेट को तो हम नहीं कम किया गया है। बट दोस्तों जो चैनल कंफर्म है कि वो डीडी फ्रीडिश पे ही रहेंगे सालों साल तक रहने वाले हैं तो दोस्तों उनके रेट को 0.50 पैसे कर दी गई है जिससे कि हमें ज़्यादा फायदा मिला और कन्फर्म हो चुका है कि वो चैनल डीडी फ्रीडिश पे एक लंबे समय के लिए रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ एक बात आपको बतानी थी कि हमारी कुछ ही देर के बाद आपको कल से एक अपडेट वाली वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर होती है एंड। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कर देना चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर करें जिससे कि आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और दोस्तों ऐसी सच्ची और अच्छी अपडेट्स आपको मेरे चैनल के द्वारा आप तक पहुँचती रहे।